In this video, we will learn about the galvanometer. This apparatus is called as galvanometer. Galvanometer is a very sensitive device. It is used to detect the current in the microampere range. जब किसी सर्किट में microampere current range के अंदर current flow करती है, तो ये microampere current को detect करता है. Galvanometer के अंदर जो red terminal है, it is for the positive, and black terminal डिनोट्स द नेगेटिव. जब आपको पॉजिटिव से कनेक्शन करना हो तो रेड नोब के ऊपर वायर को कनेक्ट कर दीजिए, और नेगेटिव पे कनेक्ट करना हो तो नेगेटिव पे कनेक्ट कर दीजिए. जब गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा, यानी सर्किट जब ओपन है, देन द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर विल बी एट जीरो. इसके अंदर नल डिफ्लेक्शन पॉइंट आएगा. जब जीरो डिफ्लेक्शन होता है तो उसको बोला जाता है नल डिफ्लेक्शन पॉइंट. जैसे ही गैल्वेनोमीटर के थ्रू करंट फ्लो करेगा, तो गैल्वेनोमीटर की जो नीडल है वो या तो लेफ्ट साइड के अंदर या राइट हैंड साइड के अंदर डिफ्लेक्शन देगी. जितना ज्यादा करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा इसके अंदर डिफ्लेक्शन होगा. इससे सिर्फ हम करंट की डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि वेदर द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, राइट और राइट टू लेफ्ट ना. इससे हम करंट की मैग्नीट्यूड को कभी भी मेजरमेंट नहीं कर सकते.